वो धीरे धीरे विंटर सीजन ने दस्तक दे ही दिया है। और ये बात जो सबसे ज़्यादा फील होता है वो होता है हमारे स्किन को, हमारे स्किन से पता चल रहा है कि अब विंटर आने वाला है। तो विंटर सीजन जैसे ही आने को रहता है हमारी स्किन जो है खिंची खिंची होने लगती है, ड्राई ड्राई सी रहती है। लेकिन अगर आप उसका खास ख्याल रखें, अभी से ख्याल रखें, तो आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लगेगी। तो ये स्किन केयर रूटीन बेसिकली आपको विंटर के लिए है। तो देखो ये स्किन केयर करने के बाद स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग एंड हाइड्रेट लगती है। तो स्किन जो है ये विंटर में बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाती है, तो इसका आपको खासा ख्याल रखना चाहिए। तो ये रूटीन फॉलो करने के लिए आपको जो सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन ई कैप्सूल, जो कि स्किन के लिए बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप इसे ब्यूटी विटामिन्स भी कह सकते हैं और इसे ब्यूटी विटामिन्स बोला भी जाता है। इसके बाद हम ले लेंगे कुछ ड्रॉप्स ऑलमंड ऑयल की। अगर आपके पास ऑलमंड ऑयल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल मतलब कि जैतून का तेल भी ले सकते हैं। अगेन थोड़ा सा ले लेंगे एलोवेरा जेल। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब आप इसे मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे ये बिल्कुल क्रीम की तरह बन जाएगा, जैसे आप कोई क्रीम लगा रहे हो। तो बस ये आपका नाइट स्किन केयर रूटीन रेमेडी बन के रेडी है। अब इसे आपको अपने स्किन पे अप्लाई करना है। तो इसे आपको लगाने के बाद पूरी रात के लिए छोड़ देना है। रात में स्किन रिपेयर मोड में चली जाती है, जिससे कि हमारे स्किन में जो भी डैमेज होता है, जो भी पोल्यूशन के वजह से स्किन डैमेज हुई रहती है वो रिपेयर होती है, बिल्कुल हीलिंग होती है हमारे स्किन की। तो आपको इसे नाइट में लगा के छोड़ देना है। देखो ये कितना ज़्यादा वाइट वाइट सा लग रहा है, पूरी तरह ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आपको अच्छे से लगाना है, थोड़ा 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से आपको मसाज भी करनी है अपने फेस के, जिससे आपको बहुत ही रिलैक्स फील होता है। तो ये स्किन केयर रूटीन आप ज़रूर कीजिए, आपकी स्किन बेहद बेहद अच्छी हो जाएगी। आप देखेंगे हफ्ते भर में ही आपको इनविजिबल रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा चेंज लगेगी आपकी स्किन। ये एंटी एजिंग का काम भी करेगा, इससे आपके डार्क सर्कल डार्क स्पॉट भी रिडक्शन हो जाएगा उसका। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसमें जो भी चीज़ें ऐड की हमने ये स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए, चाहे आप मेल हो फीमेल हो या फिर आप किसी भी एज के हो, आप 20+ हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आपकी क्रीम बच जाए तो आप इसे अपने हाथों पे लगा लीजिए, क्योंकि हाथ भी काम करने से पानी में रहते रहते बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, उनको भी खास देख रेख की ज़रूरत होती है। तो वो भी स्किन का हो चुका है, मैंने जो बचा था उसे हाथ पे भी लगा लिया है। तो बस आपको ऐसे ही सो जाना है। अगर आपको एक्स्ट्रा मॉइस्चर लगे तो आप किसी कॉटन से इसको वाइप भी कर लीजिए, जिससे कि जो थोड़ा ऑयली ऑयली लग रहा है ये निकल जाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, आपके स्किन को ज़रूर सूट करेगा, चाहे आपके स्किन जिस भी टाइप की हो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और बी पॉजिटिव, बी हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।